तो यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं ऐसी जानकारी जो जानकारी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लेकर है। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर लगी मुहर, देश भर के सभी कर्मचारी होंगे परमानेंट। मनरेगा कर्मियों को 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने का आदेश जारी हुआ है या नहीं, हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। संविदा और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा देश भर में गर्मा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले अनियमित कर्मचारियों की मुहिम और तेज़ हो गई है। वहीं कुछ राज्यों ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर मुहर भी लगा दी है। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए संविदा कर्मचारियों पर बड़ा दाव खेला है। आखिर कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है, पार्टी ने क्या ऐलान किया है देश भर के संविदा कर्मियों के लिए, आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि देश भर के संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, कांग्रेस सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में संविदा भर्तियों की जगह नियमित भर्तियां करेगी और अभी जो संविदा कर्मी हैं उनका नियमितीकरण करेगी। अगर मैं आपको बताऊं तो इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए मैं एक लिस्ट बनाया हूं, उस लिस्ट को आपके सामने साझा करता हूं। निवेदन करता हूं, अगर आप एक संविदा कर्मी आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर। कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति गणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्ग को यानी कि EWS को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी। कांग्रेस शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू कराएगी। अगर मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में संविदा भर्तियों की जगह नियमित भर्तियां करेगी और अभी जो संविदा कर्मी हैं उनका नियमितीकरण कराएगी। कांग्रेस घर बनाने के लिए और व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ाएगी। अगर मैं आपको बताऊं तो इसके लिए सार्वजनिक खरीद नीति का भी दायरा बढ़ाएगी। कांग्रेस भूमिहीन को जमीन वितरित करेगी। अगर मैं आपको बताऊं तो किस तरीके से कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग समुदाय के छात्रों को मिलने वाले छात्रवृत्ति को दोगुना करेगी। विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को विदेशों में पढ़ने में मदद करेगी। PhD छात्रवृत्ति की संख्या दोगुना की जाएगी। अगर मैं आपको बताऊँ किस तरीके से सफाई कर्मचारियों के परिवारों को 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा जब सफाई कर्मचारी किसी कारणवश अपना जान गंवा देते हैं। तो कांग्रेस सीवर और सेफ्टी टैंकों की सफाई करने वाले मशीनों को खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करेगी जिससे मानव अवशिष्टों को हटाया जा सके। सभी सफाई कर्मचारियों के लिए मुफ्त बीमा सुनिश्चित किया जाएगा। कांग्रेस शैक्षणिक संस्थानों में वंचित समुदायों के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए रोहित बेमूला अधिनियम लागू करेगी। कांग्रेस ऋण के आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी और विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। किस तरीके से इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने अपने सभी वायदे किए हैं तो दोस्तों इस वीडियो में पंचायत सहायक, शिक्षा में चौकीदार, आशा रोजगार सेवक, अनुदेशक, PRD परिचालक, आंगनबाड़ी नर्सिंग कर्मी, परिवहन विभाग शिक्षा कर्मी, जल जीवन मिशन के कर्मचारी, विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग, बैंक विभाग, सभी लोगों के लिए क्या बड़ी खबर निकल के सामने आई इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। ये कांग्रेस पार्टी का मात्र घोषणा पत्र है। तो निवेदन करता हूं अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। तो यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।